कोरोना वायरस के प्रभाव को खत्म करने के लिए जहां पंजाब सरकार ने कर्फ्यू लगाया तो वहीं पंजाब के सुल्तानपुर लोधी की पंचायतों ने भी एक प्रयास किया। पंचायत ने प्रस्ताव पास कर गांवों के अंदर और बाहर गलियों में बिना वजह आने जाने पर रोक लगा दी है और यदि कोई पंचायत के आदेश को नहीं मानेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस फैसले को लेकर सुल्तानपुर के विधायक ने वायरस से निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के एक साथ मीटिंग की जिसमें ये ऐलान किया गया कि विधायक नवतेज सिंह चीमा ने जरूरी सामान की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी भी आश्वस्त किया। देखो जेड़ा ना जेडे ते रजिस्टर्ड आ उन्हां नूं ते 3000 रुपया महीना उन्हां नूं ते आ जाणा खात्यां दे विच ओह आ गया उन्हां दा आजूगा। जेड़े लोग नहीं रजिस्टर्ड और गरीब आ हुण मान लो एक वार्ड दे विच साडे एमसी सानूं पता वी किन्ने परिवार इहो जिहे जेड़े दिहाड़ी करदे सी और रोटी उन्हां कोल मसां सवेर ते शाम जोगी हुंदी सी उन्हां दीआं लिस्टां जिहड़ियां बण रहीआं उन्हां नूं इक हफ्ते दा राशन जेड़ा आ ओह पंजाब सरकार वल्लों उन्हां दे घर पहुंचाया जाऊगा। उन्हां नूं किसी तरह की घबराउण की लोड़ नहीं, हर चीज़ उन्होंने अवेलेबल कराई जाऊगी और अपने आप को टेस्ट कराओ जो भजदे आ जो उन्होंने कोई चीज़ हैगी मतलब वो साडे समाज के दुश्मन है